अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका उसाब का दोस्त है जरा। आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्राइवेट बाय। जैसा कि आपको पता है, हम आपको जाने वाले मुझे गाड़ियों की मार्केट में लेकर जाते हैं और वहाँ से गाड़ियों के रेट्स के बारे में अपडेट करते रहते हैं। तो काफ़ी भाई कमेंट सेक्शन में कह रहे थे कि हमें जो थी 600 cc गाड़ी है वो दिखाई जाए। तो इधर ये हमारे पास कुछ स्टॉक मौजूद है, तो आ रहे हैं आपको इन गाड़ियों का ओवरव्यू देते चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इधर ये एक जैपनीज वैगनर आई हुई है सेल होने के लिए। 2015 का मॉडल है, 19 की इम्पोर्ट और 19 की ही रजिस्ट्रेशन है इस्लामाबाद की, और नंबर इसका 3 डिजिट पर मुश्तमिल है। तो गाड़ी पे ज़रा डस्ट आई हुई, या तो आपने गाड़ी को रफ कंडीशन में या फेड नहीं बॉडी वाइज कंसीडर करना। अगर कैमरा मैन आपको ये स्क्रीन चेक करवाता चले, जो कि ब्रेक है, टायर्स की कंडीशन ब्रांड न्यू है, अलॉय व्हील मौजूद है, डोर लैटिस इसके बॉडी कलर में ही है, किसी किस्म की कोई सील नहीं डिस्टर्ब है, 2-टोन में इसका डैशबोर्ड है, 4 विंडो पावर है, पावर स्टेयरिंग। बाकी ये आपको पता है जैपनीज गाड़ियों में ये फीचर जो हैं ये बेसिक होते हैं। फैब्रिक्स में इसकी पुशीद है, आपको नीचे से फेड वगैरह काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, लेकिन इस तरह की गाड़ी में कोई बात नहीं है। कब्जे चेक कर सकते हैं, कोई रस्ट वगैरह नहीं है। बॉडी पे हल्के फुल्के स्क्रैचेज हैं, जाहिर है ज़रा ओल्ड मॉडल है। बाकी ये बैक की सीट से आप चेक कर सकते हैं। बाकी ये आपको डोर्स की ओपनिंग क्लोजिंग ही बता रही होगी कि गाड़ी मॉडल वाइज किस कंडीशन में है। EN4 इंजन है इसका। बाकी आप इसकी बैक से प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। बैक की स्क्रीन पर आपको ये डिफोकर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। हाइड्रोलिक इसका ट्रंक है। अगर आप पिकनिक वगैरह पर जाना चाहते हैं तो आप ये देखें, अच्छी खासी जो ये स्पेस बैक पर बना सकते हैं। या आप चेक करें इसके ये जैक पाने वगैरह मौजूद हैं। सीलें चेक करें, ये लॉक्स चेक करें, और डिमांड के हवाले से आपने नहीं घबराना, उसमें से ये कमी बेशी आपको कर देंगे। तो अब हमारे पास इधर ये एक आल्टो आई हुई है सेल होने के लिए, 2022 का मॉडल है, VXR है, और 24,50,000 रुपया डिमांड की जा रही है। हमने आपको एक बाहर आल्टो दिखाई थी, उसकी भी तकरीबन 24,50,000 रुपया डिमांड की जा रही थी, लेकिन बाइक का जो था माइंड था वो तकरीबन 24 लाख का था। तो इस तरह ये ज़ाहिर है ये भी प्राइस फाइनल नहीं है। बाकी अगर मेरा कैमरामैन आपको रूफ पर दिखा सके, ये टेपिंग हुई है, वाइट कलर में है, ऑल पंजाब का नंबर है, और नंबर भी 3 डिजिट पर मुश्तमिल है। टायर्स इसके ब्रांड न्यू है, अलॉय व्हील नहीं मौजूद, सिंपल व्हील कैप्स हैं। बाकी इंटीरियर आप चेक कर सकते हैं। जिन भाइयों का बजट कम है लेकिन वो नई गाड़ी का मज़े लेना चाहते हैं तो ये एक उनके लिए बेहतर ऑप्शन है। डैशबोर्ड की आप कंडीशन चेक कर सकते हैं, जो कि ब्लैक कलर में है, टोटली मैनुअल ट्रांसमिशन में है, ब्राउन और ब्लैक के कम्बिनेशन के साथ इसकी पुशीद है, जो कि लेदर में है, जो कि बड़ी पायदार नफीस किस्म की हैं। उसके ऊपर आपको ये ऑरेंज कलर में पाइपिंग देखने को मिल जाएगी। ये आप नीचे से चेक कर सकते हैं, कोई फेड नहीं है, कब्जे चेक कर सकते हैं और कोई डस्ट नहीं है। तो अब हमारे पास इधर ये एक और आल्टो आई हुई है सेल होने के लिए, AGS है, VXL है, टॉप ऑफ द लाइन है, इस्लामाबाद का नंबर है, बैक कैमरा इंस्टॉल है, बैक की तकनीक आपको डिफोकर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ब्रांड न्यू टायर है, अलॉय व्हील नहीं मौजूद, सिंपल व्हील कैप्स हैं। बाकी आप इसकी ये लुक चेक करें, और 29,70,000 रुपया गाड़ी की डिमांड की जा रही है। आप कह रहे होंगे कि वो 22 मॉडल हमें 24,50 में मिली है, ये 21 मॉडल है, इसकी 29,70 डिमांड की जा रही है। उसकी वजह एक ये है, ये AGS है, और अगर आप VXR से VXL की तरफ शिफ्ट होते हैं तकरीबन 3 लाख का डिफरेंस आ जाता है उसी में। बाकी डोर्स की आपको ओपनिंग क्लोजिंग ही बता रही होगी कि गाड़ी किस कंडीशन में है। बाकी ये गाड़ी बड़ी भी चली हुई तो तकरीबन 35 से 40 के राउंड बाउंड ही चली होगी। बाकी डैशबोर्ड की आप कंडीशन चेक करते हैं, जो कि 2-टोन में है, ABS ब्रेक्स हैं, 2-टोन में इसकी कुशीज हैं, जो कि फैब्रिक्स में है, 4 विंडो पावर है, पावर स्टेयरिंग है, ऑटोमेट की LCD इंस्टॉल है, और 2970 डिमांड की जा रही है मौजूदा। तो इधर हमारे पास ये कुछ गाड़ियां मौजूद हैं, जो कि तकरीबन 4 लाख 5 लाख इस प्राइस के राउंड बाउंड इधर है। तो अब हमारे पास इधर ये एक होंडा सिटी आई हुई है सेल होने के लिए, 2013 का मॉडल है, और
गन मेटालिक में है। बाकी आप इसके ये टायर्स की कंडीशन चेक कर सकते हैं, जो कि ब्रांड न्यू है, अलॉय व्हील नहीं, ब्लू सिंपल व्हील कैप्स हैं, और 26 लाख रुपया डिमांड की जा रही है। बाकी अगर मेरा कैमरामैन आपको ये दिखा सके, यहाँ से ब्रेक है स्क्रीन इसकी, डोर लैचेस इसके चेक कर सकते हैं, लेकिन गाड़ी जो थी वो लॉक है, लेकिन कोशिश करेंगे आपको इंटीरियर दिखाने की। ये आप चेक करें, पावर स्टेयरिंग, पावर विंडोज़, फैब्रिक सीट्स, एसी वगैरह चिल है, 7.5 कंट्रैक्ट पहले इंस्टॉल है, मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है, ब्रांड न्यू टायर हैं, लाइट्स आप बैक की आप इसकी चेक कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन है, कोई मेन एक्सीडेंटल नहीं है। और मार्केट में अगर एक्सीडेंटल गाड़ी हो, अव्वल तो आती नहीं है, अगर कोई आ भी जाए तो लोग उसे इग्नोर करते हैं। बेसिकली कहने का ये मतलब है कि यहाँ पर आपको ना होने के बराबर एक्सीडेंटल गाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। तो अब हमारे पास इधर ये एक निसान डेज मौजूद है, जो कि काफ़ी अरसे से ही मौजूद है इधर, 2014 का मॉडल है, 19 कंपाउंड 19 की रजिस्ट्रेशन है, और डिमांड जो है मौजूदा 2975 से की जा रही है। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, हमने आपको इसका जो है 2750 से लेकर 2975 तक का दिखा दिया हुआ है, जो थी प्राइस लिस्ट है इसकी, जो थी हर वीक अपडेट हमें देखने को मिलती है। बाकी स्क्रैचेस वगैरह मौजूद हैं, टायर इसके अच्छी कंडीशन में हैं, जैपनीज हैं, अलॉय व्हील मौजूद हैं। फीचर से आपको पता है ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, जो उनकी जैपनीज है हमारी। स्टेयरिंग आप चेक कर सकते हैं, क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। मल्टीमीडिया कंट्रोल्स हैं, एलसीडी इंस्टॉल है, और 2975 डिमांड की जा रही है। तो अब हमारे पास इधर ये एक टोयोटा सर्फ मौजूद है, काफ़ी लोग इस गाड़ी के दीवाने हैं, और नंबर भी इसका VIP है, जस्ट 1994 का मॉडल है, और 2011 की रजिस्ट्रेशन है। बाकी आप इसकी फ्रंट से ग्रिल चेक कर सकते हैं, लाइट चेक कर सकते हैं, ब्लैक कलर में है। ओवरऑल बॉडी वाइज, लुक वाइज गाड़ी बहुत अच्छी कंडीशन में है, टायर इसके ब्रांड न्यू कंडीशन में है, अलॉय व्हील मौजूद है। बाकी डैशबोर्ड की आप कंडीशन कैमरा मैन चेक करवाता चले, क्योंकि आपको काफ़ी क्लासिक फील देगा। ये भी काफ़ी अच्छे से इधर ये गाड़ी मौजूद है, और डिमांड जो इस गाड़ी की इधर की जा रही है वो 23,90,000 है, जो कि फाइनल नहीं है, आपको इसमें से भी 10,000 कमी पेशी वो कर देंगे जब आप परचेज़ करने के लिए रब्ता करेंगे। बाकी बैक से भी आपको सीटें जो वो चेक करवाते हैं, रूफ पर अगर मेरा कैमरा मैन आपको चेक करवाता चले, दो आपको स्पॉइलर देखने को मिल जाएंगे। बाकी आप ओवरव्यू चेक कर सकते हैं, ये फेंडर डोर्स, बैक की डिक्की बिल्कुल नीट एंड क्लीन बॉडी में है। तो इनमें से कोई भी गाड़ी अगर आपको पसंद आती है तो आपके साथ मोटर वालों का जो सा नंबर है वो शेयर कर दिया जाएगा, तो आप रब्ता करके गाड़ी के मतलब जो सी भी डिटेल है वो मोटर वालों से ले सकते हैं गाड़ी के मतलब। तो आप हमें इजाज़त दें, मिलते हैं आप साथ अगली वीडियो में, बहुत शुक्रिया।